ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो पहला अध्याय पांचवा श्लोक संख्या 24। तो हम सुन रहे हैं नारद मुनि के बारे में। नारद मुनि व्यासदेव को, पिछली बार नारद मुनि और व्यासदेव के चरित्र से हमने सोचा कि भगवान किस प्रकार से इंडिपेंडेंट हैं। व्यासदेव स्वयं भगवान के अंश हैं, लेकिन वो गुरु धारण किए हैं और गुरु उनको शिक्षा दे रहे हैं नारद मुनि बनके कि तुम्हें ऐसे ग्रंथ का रचना करनी चाहिए जो भक्ति प्रदान करे। और उसको करने के धीरे धीरे भगवान नारद मुनि भक्ति और भक्तों के महत्व को बताने के लिए अपने जीवन की कहानी बताते हैं कि वो किस प्रकार से नारद मुनि बने। तो उन्होंने बोला पिछले कल्प में, कल्प होता है 1000 टाइम्स युगा साइकिल। आप जानते हैं एक युगा साइकिल में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सबको मिलाएंगे यदि हम तो 43 लाख समथिंग बनेगा। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। तो ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प माना जाता है। तो एक कल्प के पिछले कल्प, तो जो पिछला दिन था उस पिछले, यानी कि इतने लाखों साल पहले की कहानी बता रहे हैं नारद मुनि। नारद मुनि को इतनी प्रखर स्मृति है भगवान की कृपा से कि वो सब कुछ याद है। तो उसमें वो एक दासी के पुत्र के रूप में पैदा हुए, जो भी बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होती है दासी। कोई ज्ञान नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई कला नहीं थी, लेकिन एक विशेष बात थी कि उनके घर में कुछ भक्ति वेदांत लोग आते थे, कुछ भक्तिमयी भक्त आते थे और चतुर्मास में उनके घर में स्टे करते थे। उनकी माता जो है उनकी बड़ी सेवा करती थी, साथ में ये भी उनकी सेवा करते थे। उसके आगे सुनते हैं। ते मय्य पेताखिल चापले अभ्रके दान्ते अधृत क्रीडन के अनुवर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा करी। यद्यपि वो निष्पक्ष थे, सभी के लिए बराबर थे। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदेव भजामि, मैं सभी के लिए बराबर हूँ। भगवान ऐसा कई जगह में बोलते हैं कि ना तो मेरा कोई दुश्मन है ना मेरा कोई दोस्त है, लेकिन भक्तों के लिए मैं स्पेशल फेवर करता हूँ। क्या इसमें कोई बड़ी बात है? नहीं। एक व्यक्ति अपने घर में, उसके अगर चार बच्चे हैं तो चारों के लिए बराबर होता है, होता कि नहीं? वो चाहता है सभी की शादी हो जाए, सभी की नौकरी हो जाए, सब सेट हो जाए, लेकिन उनमें से कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो बड़ा आज्ञाकारी होता है, बड़ा प्रेमी होता है, बहुत सेवा, उसके लिए हृदय में कोई स्पेशल प्यार हो जाता है। ये नेचुरल है, इसको कैसे कोई हटा सकता है? फिर बाकी भाई चिढ़ते हैं कई बार, हाँ घर वाले, नहीं इसको ज़्यादा प्यार क्यों मिलता है, इसको क्यों प्यार मिलता है? तो लेकिन ये स्वाभाविक है, जो जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं नारद मुनि कि यद्यपि वो निष्पक्ष थे, लेकिन मुझ पर अहेतु की कृपा करी। क्यों करी, उसका बात में अभी सुनेंगे आप। जहाँ तक मेरी बात थी, नारद मुनि बता रहे हैं, जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। तो जितने भी बालक हैं वो सुन सकते हैं यहाँ पर कि बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। हमारा मन करता है केवल खेल ही खेल हो। बड़े खुश हैं टेंथ वाले, टेंथ के बोर्ड के पेपर कैंसिल हो गए, वंडरफुल, ट्वेल्थ के बोर्ड। मैंने कुछ बड़ों को कहते हुए सुना, हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी घर, हमारे स्कूलों में कभी कभी कोई, मतलब बड़ी बुरी बात है लेकिन क्या बता देता हूँ, कभी किसी की डेथ हो जाती थी तो हम बड़े खुश हो जाते थे, छुट्टी छुट्टी। और कभी कभी देश का कोई बहुत बड़ा व्यक्ति चला गया तो हाँ बच्चों को खुशी हो जाती थी, चलो छुट्टी हो गई, है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा समय खेल में चला जाए। लेकिन नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि मैं इंद्रिय जीत था बचपन से ही, इसीलिए वो नारद मुनि बने। और वो खेल कूद में कभी समय व्यर्थ नहीं करते थे, वो बड़े अनासक्त थे खेल कूद से। साथ ही मैं चपल ना था और कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा बोलता नहीं था। देखिए गुण, देखिए ये गुण हमारे, हम सबको लेने हैं, बच्चों को क्या बड़ों को भी लेने हैं। चपल नहीं था, जनरली बच्चों को देखा गया है कि बड़े क्या कहते हैं, रेस्टलेस, बहुत रेस्टलेस होते हैं। अभी ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये नहीं, अब ये करना है, अब यहाँ जाना है, अब ये करना है। छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, है ना, चपल होते हैं, स्थिर नहीं होती उनकी बुद्धि। तो और क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलता नहीं था। हम देखते हैं बच्चे, कई बार आपको महसूस हुआ होगा ये कैसे होता है, ये ऐसे होता, अच्छा फिर ये ऐसे क्यों, अच्छा फिर ये क्यों, हाँ बहुत बोलते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी जिज्ञासा तो सही है, कई बार जिज्ञासाएँ भी ऐसी होती हैं कुछ समझ नहीं आता क्या जवाब दें इसका। तो बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना, तो कहते ना तो मैं ज़्यादा बोलता था ना मैं ज़्यादा चपल था, बहुत स्थिर और एकदम सिंपल व्यक्ति था,
खेल कूद में मेरा मन नहीं था, इसीलिए उनके ऊपर ऐसी कृपा करी गई। और साथ ही ये नहीं, इसके साथ वो क्या करते थे, अपना समय कहाँ लगाते थे, फिर सारा का सारा खेल कूद नहीं करते थे, पढ़ाई लिखाई स्कूल तो थे नहीं, वो सारा समय इन भक्तों की सेवा में लगाते थे। इसी के कारण उनको इतना फेवर इनका मिल गया, इनके ऊपर उन्होंने अहेतु की कृपा कर दी, जो कि अभी आपको पता चलेगी क्या कृपा करी। प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य, श्री प्रभुपाद की जय। दीक्षा के पूर्व यह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने के वाले के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। हम लोग भी कभी हो सकता है फ्यूचर में दीक्षा लें, 2 साल में 3 साल में व्हाटएवर, लेकिन उसके पहले हमें अनुशासित होना पड़ेगा, ऐसा नहीं उसके बाद अनुशासित होना पड़ेगा। जीवन में प्रारंभ में ही अनुशासित होना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं कि बच्चों को क्यों इस उम्र में क्यों लगाया जाए, कैसे लगाएंगे आप बूढ़े को, किसी बूढ़े को जो पूरा जीवन एक तरह का जीवन बिता चुका है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस व्यक्ति को बदलना। अगर कुम्हार को आप जानते हैं, पॉटर, देखा आपने कुम्हार घड़ा बनाते हुए, बर्तन बनाते हुए देखा आपने, बच्चों ने पता नहीं आजकल देखा है कि नहीं देखा है, नहीं तो देखिएगा, अपनी मम्मी पापा से बोले दिखाएंगे आपको। एक चक्र होता है, एक पहिया सा होता है, उस पहिए पे मिट्टी, गीली मिट्टी को रखा जाता है और पहिए को घुमाया जाता है और उससे हाथ से वो शेप देता है। अब अगर उसमें सूखी मिट्टी रख दी जाए तो क्या वो शेप दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। वो केवल गीली मिट्टी में ही शेप दे सकता है और उसके बाद उसको रख के सुखाया जाता है, राइट। एक बार मिट्टी पक गई तो फिर शेप नहीं दे सकते। उसी तरह से एक बार हम लोग भी पक गए अगर इस जीवन में, तो उसके बाद हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्थाओं में जब मिट्टी गीली है, किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, उसी वक्त हमें इन सबको, अपने बच्चों को ढालना, इस आदत में ढालना चाहिए, ठीक है। तो यहीं यहाँ पर साबित होता है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले से ही अनुशासित होना पड़ेगा। मानव जीवन के वास्तविक शुभारंभ के समय में से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाता है, जहां उन्हें ये सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती हैं, चाहे वे सामान्य नागरिक का पुत्र हो या राजकुमार हो। जैसा कि आपने देखा था, राम जी चले गए थे, दशरथ का दिल ही टूट गया था जब उनको बुलाने के लिए विश्वामित्र आए और विश्वामित्र उनको जंगल में ले गए। हमारे बच्चों को जंगल में नहीं लिया जाता है, हमारे बच्चों को तो ठीक ठाक से कहीं हॉस्टल वगैरह में रखा जाता है, जंगल में ले गए और काम क्या दिया, हम यज्ञ करेंगे, तुम राक्षसों से बचाओगे। जब दशरथ ने ये सुना था, दशरथ तो कांप गए थे, ये क्या, ये बच्चे हैं, ये राक्षस से बचाएंगे, मैं चलता हूँ आपके साथ। लेकिन राम जी भी गए और भगवान कृष्ण भी गए संदीपनी मुनि के आश्रम में। आप जानते हैं सुदामा लीला वगैरह लीला, ये भगवान भी मांग के खाया करते थे। तो इस प्रकार से बचपन से ही 5 साल की आयु में ही गुरु के आश्रम में भेज देते थे, क्योंकि मम्मी पापा के साथ क्या होता है, मम्मी के पापा के साथ अब मैं ये खाऊंगा, हाँ अब मैगी, अब पिज्ज़ा, अब बर्गर, अब ये, अब वो, अब जूस, गर्मी का दिन है, अब मैंगो शेक, अब ये शेक, अब वो, है ना, कुछ कुछ ऐसा चलता रहता, राइट। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग से बच्चे के अंदर तपस्या करने का भाव समाप्त हो जाता है। हाँ, जबकि ये उम्र है उसकी 20-25 साल तक, तब तक वो तपस्या करना सीखे, क्योंकि फाउंडेशन अगर हमारी स्ट्रांग होगी तभी ये बिल्डिंग अच्छे से खड़ी हो पाएगी। इसलिए फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाया जाता है, नींव को स्ट्रांग बनाया जाता है। इसलिए बच्चों को स्ट्रांग बनना आवश्यक है शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से। इसलिए उनको आश्रम में भेजा जाता था माँ बाप से दूर, ताकि बहुत ज़्यादा पैम्परिंग में बच्चा बिगड़ ना जाए। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, बल्कि अभी तो बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए, उसे तैयार करने के लिए भी अनिवार्य था। आगे जाके उसको बहुत कुछ करना है। हम तो देखते हैं कि अभी 20-25 साल में बच्चा सब कुछ कर लेता है, अफेयर ये वो शादी वादी सब कुछ दिमाग लगा लेता है, कहाँ करनी है कैसे करनी है। तो आध्यात्मिक अनुभूति की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर उसको पहले कुछ सालों में, इन सालों में इतना तैयार किया जाता था कि उसको आगे का पूरा जीवन वो कंट्रोल में, इंद्रिय संयम में बिता पाता था, जैसे कि नारद मुनि। तो वर्णाश्रम पालन प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के उत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता था कि इंद्रिय भोग भी कोई चीज है। वास्तव में ये सच है, हमने देखा कि हमारे बच्चे जो थे, जब अपने अपने घरों में थे तो बड़ा तंग करते थे मम्मी पापा को, जप नहीं करते थे, और जैसे ही उनको एक माहौल में रखा गया, हमने देखा थोड़े ही दिनों में नट बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर का 10 नंबर ही बच्चा भी सीधा हो गया एकदम। सबसे शैतान व्यक्ति भी 2-3 दिन के अंदर सीधे लाइन पे आ गया, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा है ना। उसी तरीके से यहाँ बता रहे हैं, ऐसे माहौल में वो जानता तक नहीं था कि इंद्रिय तृप्ति होता ही क्या चीज़ है। मुझे बड़ी खुशी होती है कई बार
हमारे बच्चे चाहे कुछ बन ना पाए या बन ना पाए, मैं देखता हूँ कई बार छोटे छोटे बच्चे ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं कई बार, क्योंकि वो ऐसे माहौल में है कि देख के हैरानी हो जाती है, सिगरेट पीना और बाकी चीज़ें करना। हाँ, तो ये बड़ा बहुत ही कंटेजियस है समाज जिस तरह से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर रहते रहते वो कई चीज़ों से बच जाता है। बालक को भवबंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था, यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। तो माता पिता का ये उत्तरदायित्व ही था कि बालक को भवबंधन से मुक्त कराना है। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। इंद्रजीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना, पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आखिरी में, इन लाइन्स को दोबारा सुनिए बड़े ध्यान से, शिल प्रभुपाद का ये परपट में, इंद्रजीत हुए बिना यानी कि इंद्रियों को कंट्रोल करने की ताकत लिए बिना, अनुशासित हुए बिना, पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना, कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता। समझा आपने? यानी गुरु के उपदेश, यानी हम सुनते हैं कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, कि भगवान जो हमें मिलते हैं, भगवान की जो कृपा मिलती है वो गुरु की कृपा से मिलती है, और गुरु के आदेशों का पालन करना ही हमारा जीवन होना चाहिए। उनके मुख से जो शब्द निकले वो हमारे जीवन में एवरीथिंग होने चाहिए, लेकिन वो हम कब कर पाएंगे? जब हम इंद्रजीत होंगे, अपनी इंद्रियों को, इंद्रजीत नहीं बोले इंद्रिय जीत, मेघनाद नहीं बनना है, कहीं आप बोले मेघनाद बनेंगे हम तो, रावण के बेटे, इंद्रजीत मतलब इंद्रिया, ओन कंट्रोलर ऑफ सेंसेस, जिसको हम महाराज कहते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया हो, अपनी इच्छाओं को यानी कि कंट्रोल में कर लिया हो। ऐसा नहीं है जैसे कि समुद्र है, समुद्र में जैसे हम कहते हैं कि नदियाँ गिरती रहती हैं लेकिन वो स्टेबल रहता है एकदम, कभी उसमें बाढ़ नहीं आती, कभी उसमें सूखा नहीं आता, उसी तरीके से हमारे अंदर कई सारी इच्छाएं निरंतर गिरती रहती हैं लेकिन हम उनकी पूर्ति करने के लिए भागते नहीं रहते उसके पीछे। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से, जिसने अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है, अनुशासित है, अनुशासित किस चीज़ में है? सोने में, उठने में, खाने में, साधना में, काम में, रिक्रिएशन में, एवरीथिंग, टाइम बाउंड, प्रायोरिटाइज करता है, टाइमलाइन बनाता है, बिल्कुल अनुशासित है। कभी ऐसा नहीं होता कि आज माला रात को 10 बजे हुई, आज माला सवेरे हो गई, आज एक कम हो गई, आज 2 ज़्यादा हो गई, अनुशासित है। कक्षा में आने का समय एकदम फिक्स है, अनलेस की कोई प्रॉब्लम हो जाए, एकदम फिक्स टाइम पे क्लास में आता है, यानी कि इस तरह से पूरा जीवन ही उसका अनुशासित है वो व्यक्ति। और पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना, पूर्ण रूप से आज्ञाकारी, जो कहता है कि मैं चेरी पिकिंग करूँगा, कुछ बातें मान लूँगा, कुछ बातें नहीं मानूंगा, वो कभी भी गुरु के, यहाँ लिखा है गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं होगा। और अगली लाइन तो हिला देने वाली है कि ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इंद्रजीत बनना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा, आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, तब वो गुरु के उपदेश का पालन कर पाएगा, और जब वो ऐसा करेगा तभी वो भगवान के धाम में जा सकता है। ऐसा थे नारद मुनि, इसी कारण से उनके ऊपर अहेतु की कृपा हुई इन भक्ति वेदांतों की। ठीक है, तो वो क्या कृपा हुई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है कल के लिए वेट कर लेते हैं कि क्या कृपा इनके ऊपर हुई। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।